दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर एवं पीएमएलटी न्यूज़ से। सभी स्टूडेंट्स जो कि ट्वेल्थ बायोलॉजी से उन्होंने पास किया हुआ है, अगर वो लोग पैरामेडिकल कोर्सेस में, नर्सिंग कोर्सेस में या फार्मेसी कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सत्र 2020-2021 में एडमिशन हेतु एडवर्टाइजमेंट या प्रवेश विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसकी लास्ट डेट 14 नवंबर 2020 है। और इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज है, नर्सिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज है, फार्मेसी में डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हैं। तो अगर आप लोग अपना करियर या भविष्य पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज या फार्मेसी कोर्सेज में बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसी वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट या प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में बताया जाएगा। तो संपूर्ण वीडियो देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए हम विज्ञप्ति की चर्चा। दोस्तों ये है एडवर्टाइजमेंट जिसमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के द्वारा पैरामेडिकल कोर्सेस में एडमिशन की का एडवर्टाइजमेंट या प्रवेश विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेस के लिए एडमिशन प्रारंभ करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये प्रेस विज्ञप्ति 2020-2021 के लिए है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपने आवेदन करना है और कब से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा सत्र 2021, इसमें एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन्स 2020। उसके बाद जो है पैरामेडिकल प्रवेश सत्र 2020, इसमें बीआरटी बैचलर इन रेडियोथेरेपी एक्सरे आई थिंक है एंड बीएमएलटी, फिर बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एंड पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एडमिशंस। उसके बाद जो है फार्मेसी प्रवेश परीक्षा सत्र 2020-2021 के लिए बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, लेटरल एंट्री के माध्यम से भी जो है एडमिशन होंगे। नेक्स्ट है बीपीटी फिजियोथेरेपी, तो इस ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के द्वारा एडमिशन पैरामेडिकल कोर्सेज में, नर्सिंग में, फार्मेसी में एडमिशन्स हेतु एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है। अब हम ये जानते हैं कि ये एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा और किस तरीके से एडमिशन होगा, मेरिट के बेस पे होगा या एग्ज़ाम के बेस पे होगा, ये समझते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि, हम इसके ऊपर ले चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि कितनी है, 14-10-2020 शाम 5 बजे से, मतलब 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें एडमिशन हेतु ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और ये 14-10-2020 दिन बुधवार से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, 14-10 के बाद जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ में ये भी समझिएगा कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13-11-2020 दिन शुक्रवार मध्य रात्रि 12 बजे तक, ये लास्ट डेट है। तो आपने स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने की क्या होगी, 14-10-2020
20, और लास्ट डेट क्या होगी? 13 नवंबर 2020। इसमें जो एडमिशन होगा उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है बता दी जाएगी। इसमें जो है आपका मेरिट के बेस पे एडमिशन नहीं होगा। इसमें आप लोगों को, अगर आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोर्स नर्सिंग में या फिर फार्मेसी में, तो आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाएगी तभी आप लोगों को सिलेबस मिलेगा। सिलेबस हम बता देंगे, इस सिलेबस के लिए नया वीडियो बनेगा। तो आप लोग इस चैनल्स को, जो पैरामेडिकल MLT न्यूज़ के नाम से चैनल है, PMLT न्यूज़ के नाम से चैनल है, इस चैनल को उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नया नोटिफिकेशन सिलेबस से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित आएगा तो आप तक पहुंच सकता है। और इसमें आप आवेदन शुल्क जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा इन्फॉर्मेशन बुकलेट का पालना करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल से आवेदन की अंतिम तिथि 13/11/2020 है। तो आप लोग को 14 तारीख के बाद, ये एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ये है वेबसाइट जिसको आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो www.ruhsraj.org को नियमित रूप से देखना है। उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन फॉर्म भरने की दी जाएगी, बुकलेट भी दिया जाएगा। तो आप लोग को याद ये रखना है कि 14 तारीख से स्टार्ट होगा और 13 तारीख यानी 13 नवंबर 2020 लास्ट डेट होगी। तो आप लोग पैरामेडिक, जो भी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान महाविश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि जयपुर में है, उसमें पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज एवं फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन हेतु प्रवेश विज्ञप्ति या एडवर्टाइजमेंट आ गया है। एक अच्छा अवसर है एडमिशन लेने का। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, MSc नर्सिंग करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग एडमिशन चाहते हैं, BRT, BMLT, MSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, NPG डिप्लोमा इन प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा में एडमिशन चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट आपको बता दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम वेबसाइट का लिंक भी डाल देंगे, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और सीधे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 14 तारीख के बाद से जो है आपका एडमिशन का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आगे चल करके एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित प्रिपरेशन के लिए भी जो है नया वीडियो बनाया जाएगा। तो जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग नए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।